अच्छा, मैं सजेस्ट करूंगा, बार बार मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि इट इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, आसान सब्जेक्ट नहीं है। आपको बुक जो है ना लाजमी रीड करने की तरफ जाए ताकि हमें मतलब समझ आए कि बात क्या हो रही है। अच्छा, कहता है इट इज श्योर डेट सम लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखें अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस थ्योरम। अब प्रीवियस थ्योरम से क्या अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है, सिर्फ वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिखा है इसने। हमारा ये प्रूव हो चुका है कि इरेशनल नंबर जो है वो काउंटेबल नहीं है, और जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो काउंटेबल है। अब इसको टीएम के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम मैथमेटिक्स में ही थे, अब इस बातों को वो बेसिकली शो कर रहा है किसके अंदर, वो शो कर रहा है आपको ट्यूरिंग मशीन के अंदर। कहता है इट मेनी लैंग्वेजेस के अंदर और ट्यूरिंग मशीन, कहता है इट इज शोज इट शोज दैट सम लैंग्वेजेस आर नॉट डिसाइडेबल और इवन ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, अभी देखिए क्या मतलब हुआ। इसने एक जुमला यहाँ पे कह दिया है, यानी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एक तो हो गए डिसाइडेबल, इवन के वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल भी नहीं है। यानी आपके पास कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि ट्यूरिंग, हमने कहा था कि जो डिसाइडेबल है उसकी ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है, डिसाइडेबल एक रिकॉग्नाइजेबल उसकी भी ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर सकता कि क्योंकि लूप की वजह से डिसाइड नहीं कर सकेगा कि ये एक्सेप्ट है रिजेक्ट। लेकिन इन दो ये ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज है जो इसके अंदर जाएंगी, और यहाँ पे जो जाएंगे ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज, जैसे पॉलिनोमियल वाली लैंग्वेज जो है वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। लेकिन इसके बेसिस पे वो कह रहा है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि ट्यूरिंग मशीन से ना तो डिसाइड हो सकती है ना रिकॉग्नाइज, वो नॉन ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज कहलाती है। अगर नॉन ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल कह दिया तो डिसाइडेबल तो यकीनन उसका सबसेट है, हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले ये एक बात एक्सट्रैक्ट की इसने। कहता है द रीजन डेट देयर आर अनकाउंटेबल मेनी अवार्ड्स, देखना क्या रीजन क्या दे रहा है इस जुमले के कहने की। रीजन यहाँ पे इन्होंने नीचे दी है, क्या रीजन है कि द रीजन डेट देयर आर अनकाउंटेबल मेनी लैंग्वेजेस येट ओनली काउंटेबल मेनी ट्यूरिंग मशीन। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ट्यूरिंग मशीन जो है वो काउंटेबल है, और सुनिएगा ट्यूरिंग मशीन की तादाद काउंटेबल है, फाइनाइट है। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन जो है ये ट्यूरिंग मशीन ये फाइनाइट है, ठीक, और जो लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली इनफाइनाइट है। अब ये बात भी हमने अगर की है तो इसका प्रूफ भी तो चाहिए होगा हमें, जैसे अभी हमने प्रूफ किया कि रैशनल जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट है, रैशनल फाइनाइट है और फाइनाइट से मुराद काउंटेबल है, फाइनाइट से मुराद काउंटेबल है, ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट काउंटेबल है। ठीक है, यानी ये काउंटेबल कैटेगरी के अंदर आता है और ये बेसिकली इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है। तो कहता है ये है कि अब इसने जो पीछे हमने पढ़ा उसके बेसिस पे यहाँ पे इसने दो चीजें की, कह रहा है कि लैंग्वेजेस इनफाइनाइट है और ये बेसिकली फाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हैं, ओनली काउंटेबल, फाइनाइट से मुराद है काउंटेबल है ये, मैं यहाँ पे इसको ये नहीं कहता, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं बेसिकली। ईच ट्यूरिंग मशीन कैन रिकॉग्नाइज अ सिंगल लैंग्वेज, अब गौर से देखना चाहिए, ईच ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज अ सिंगल लैंग्वेज। ठीक है, एक ट्यूरिंग मशीन जो बनाई जाती है वो किसी एक लैंग्वेज के लिए बनाई जाती है, एंड देयर आर मोर लैंग्वेजेस देन द ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि वो इनफाइनाइट है तो लैंग्वेजेस की तादाद ज्यादा है ट्यूरिंग मशीन से। यानी अगर लैंग्वेजेस को देखा जाए तो वो बेसिकली ग्रेटर है किससे, ट्यूरिंग मशीन से। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेंगी। अगर लैंग्वेजेस ग्रेटर है ट्यूरिंग मशीन से साइज में, तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो कि ट्यूरिंग, वो लैंग्वेजेस जो ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेंगे उनको नॉन ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, यानी नॉट रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज कहते हैं। तो सम लैंग्वेजेस आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय द ट्यूरिंग मशीन, सेड लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, वो लैंग्वेजेस नॉट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल कहलाते हैं। तो कहाँ से शुरू किया, ये ट्यूरिंग मशीन का, ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल है, लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल है। अब ये बात तो प्रूफ करनी पड़ेगी ना कि लैंग्वेज अनकाउंटेबल है। अगर लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब है कि लैंग्वेजेस जो है वो नेचुरल नंबर से मैप नहीं हो रहे, और ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल है तो उसकी दो कंडीशन है, या तो ये नेचुरल नंबर से मैप हो रहा है या फिर ये फाइनाइट है। काउंटेबल का मतलब तो ये होता है कि वो फाइनाइट हो या फिर वो नेचुरल नंबर से मैप हो रहा हो। ठीक है, अब ये दो बातें पहले प्रूव हो तो फिर हम अगली बात कर सकेंगे कि हाँ कुछ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि बेसिकली ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। अगर ये दो बातें प्रूव हो गई कि लैंग्वेजेस जो हैं वो
अनकाउंटेबल है, ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल. अगर ये दो बात प्रूफ कर जाते हैं हम, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेजेस की तादाद ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा है. लैंग्वेजेस जो है वो ट्यूरिंग मशीन से तादाद में जो है वो ज्यादा है. अगर लैंग्वेजेस ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा है तो हर ट्यूरिंग मशीन एक लैंग्वेज के लिए बनाई जाती है. तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो किसके लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं बनाई जाती, उसको हम नॉट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज जो है वो कहते हैं. समझ आई बात है? तो ये बेसिकली एक थ्योरम है जो पिछले हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल से जो है पता चला. सवाल क्या पूछा आपने या क्या बात की है वो देख लो चैट में. आमिर साहब कहते हैं सर बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट को, अच्छा भी असाइनमेंट को हम डिस्कस करते हैं सर, ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट कैसे हो सकती है? ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट कैसे होगी वो प्रूफ करेंगे अभी हम डेफिनेटली. वो तो जब तक प्रूफ नहीं होगा तो हम बात बोल ही नहीं सकते. तो इन्होंने एक देखो क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, यानी ये अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट की गई है प्रीवियस थ्योरम से. अब ये बातें अभी एब्स्ट्रैक्ट है हमारे लिए. ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल कैसे है, लैंग्वेज अनकाउंटेबल कैसे है, ये दोनों बात हम प्रूफ कर लें तो फिर हम कह सकेंगे कि कुछ लैंग्वेजेस जो है वो नॉन ट्यूर. ठीक है, तो आइए इन दोनों चीजों पे असाइनमेंट पे बात करते हैं अभी आखिर में. अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है ये है कि थ्योरम सम लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल. हम प्रूफ करना चाहते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस जो है वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है. अगर कुछ लैंग्वेजेस ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है वो हम करने जाएं तो ये दो स्टेप पे कंसिस्ट करता है. एक तो ये कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट यानी काउंटेबल है. फाइनाइट से अच्छा है कि काउंटेबल है. और यहाँ पे जो वर्ड फाइनाइट लिखा हुआ है इसका मतलब हम कहेंगे कि ये काउंटेबल है, और चाहे वो फाइनाइट से हो चाहे वो नेचुरल नंबर की मैपिंग से हो. और दूसरा ये कि इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज. और हमें प्रूफ करना है कि लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली इनफाइनाइट तो हैं लेकिन अनकाउंटेबल है. ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट से बेहतर वर्ड है कि हमें प्रूफ करना है कि ये काउंटेबल है और ये बेसिकली अनकाउंटेबल. ठीक, आइए आगे. तो अब वो कहता ये है कि इस को प्रूफ करने के लिए हम पहले पार्ट वन की तरफ जाते हैं. कॉररी प्रूफ करने के लिए हम पार्ट वन की तरफ जाते हैं. कहते हैं ऑल ट्यूरिंग मशीन आर काउंटेबल और वी कैन इन्यूमरेट द इंटरव्यू काउंट कर सकते हैं द सेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन. ठीक है, टी एम एम इज काउंटेबल. हमें ये बात पहले प्रूफ करनी पड़ेगी अगर हम अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करना चाहते हैं कि कुछ मशीनें जो हैं वो ट्यूरिंग नॉट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल हैं. तो इस बात को प्रूफ करना. जर्नल ऑब्जर्वेशन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इज काउंटेबल. जो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग होता है वो काउंटेबल होता है फॉर एनी अल्फाबेट्स. ठीक है, जो हम किसी अल्फाबेट्स के बेसिस पे जो सेट बनाते हैं वो बेसिकली काउंटेबल है. और फिर कहता है कि द प्रोसीजर ओनली फाइनाइट मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ ईच लेंथ. ठीक है, फाइनाइट मेनी स्ट्रिंग ऑफ ईच लेंथ, यानी जो आप स्ट्रिंग बनाते हैं वो फाइनाइट मेनी स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि आप जनरेट कर रहे होते हैं. फिर कहते हैं द लिस्ट मे बी फॉर्म बाय रिटिंग डाउन ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन, लेंथ टू, लेंथ थ्री. जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग होंगी उसको जो है वो हम एक लिस्ट के अंदर जो है लिखा जा सकता है. अच्छा, काउंटेबल क्यों है कि उसको हम नेचुरल नंबर से मैप करा लेंगे या किसी तरीके से मैप करा लेंगे, तो ये काउंटेबल है जो कि स्ट्रिंग की तादाद है. ठीक, फिर वह कहता है यहाँ पे ये है कि एवरी ट्यूरिंग मशीन कैन बी इनकोड इनटू अ स्ट्रिंग. और हर ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जो है वो ऑफ द फाइनाइट लेंथ की जो है वो काउंटेबल है. यानी एवरी ट्यूरिंग मशीन कैन बी इनकोड इनटू अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ. यानी स्ट्रिंग का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को वो बेसिकली इनकोड कर रहा होता है ऑफ फाइनाइट लेंथ के. क्या ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई मैं ट्यूरिंग मशीन बनाऊं और कहूं कि लो भाई ये इनफाइनाइट लेंथ का जो है वो वर्ड है और इसको तुम सिमुलेट करो. नहीं, बल्कि वो जो वर्ड हम देते हैं वो फाइनाइट लेंथ का देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ये काउंटेबल होगा. ठीक है, इफ यू सिंपली ओमिट दोज स्ट्रिंग दैट आर नॉट लीगल. अगर हम वो स्ट्रिंग हटा दें जो लीगल नहीं है इनकोडिंग ऑफ द ट्यूरिंग मशीन, तो वी कैन ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन. हम लिस्ट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन जो है वो बना सकते हैं कि भाई
ये जो वाली ये स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है वो यानी लिमिटेड लेंथ की है, वो बेसिकली एक ट्यूरिंग मशीन उसको रिकग्नाइज कर रहा है, इस वाले स्ट्रिंग को जो है वो ये वाला ट्यूरिंग मशीन, तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं इसको। तो ट्यूरिंग मशीन जो है इस बेसिस पे जो है वो काउंटेबल कहलाता है, ये काउंटेबल ट्यूरिंग मशीन जो है यानी उसकी तादाद जो है वो स्ट्रिंग के बेसिस पे डिफाइन कर रही है, कि स्ट्रिंग के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो काउंटेबल है। अब अगर हम दूसरी बात की तरफ जाएं, ये मैं दोबारा भी समझ लेंगे, समझ नहीं आई, डेफिनेटली समझ नहीं आई ये तो अभी ये जो बात हम कर रहे हैं, तो ये बात अगर हम सोचें कि किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं इस तरह सोचूं कि मैं कोई स्ट्रिंग की लेंथ दे रहा हूं और वो ए बी ए है या बी है जो भी है, और ये स्ट्रिंग जो है डेफिनेटली ये स्ट्रिंग जब ट्यूरिंग मशीन से रिकग्नाइज होने के लिए जाएगा तो इसकी कोई ना कोई डेफिनेटली लेंथ होगी, और लेंथ जो है वो काउंटेबल होगा, और इस तरह की जितनी भी स्ट्रिंग होंगी और इस तरह की यानी जो भी स्ट्रिंग होगा कि इससे जो जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा यानी एंडिंग विद बी, तो एंडिंग विद बी वाले जितने भी एलिमेंट होंगे चाहे वो एक कैरेक्टर पे हों, चाहे वो दो कैरेक्टर पे हों, चाहे वो तीन कैरेक्टर पे हों, समझ रहे हो ना, तो ये सारे बेसिकली लेंथ वाइज जो है वो फाइनाइट होगा और इन्हीं को बेसिकली ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो डिफाइन करे इस तरह से ठीक है ये बात समझ। तो इस बेसिस पे कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो फाइनाइट लेंथ वाले स्ट्रिंग को जो है वो बेसिकली रिकग्नाइज करता है, जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी तादाद जो है वो फाइनाइट होगी, इसकी तादाद जो है वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी फाइनाइट। और अब अगर हम अगले प्रूफ की तरफ जाएं जो कि सेकंड प्रूफ है हमारे पास, वो ये कहता है कि ऑल लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव फर्स्ट। तो हमें क्या पहले प्रूफ यानी हमें प्रूफ करना है कि तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो काउंटेबल नहीं होती। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी पड़ेगी। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हम कहाँ हमें प्रूफ करना है कि कुछ लैंग्वेजेस नॉट ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल होते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ा, हमें ये दोनों प्रूफ करने पड़े। तो हमने ये प्रूफ किया कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो फाइनाइट है, इसकी वजह यह है कि इसने जो स्ट्रिंग यानी जो रिकग्नाइज करनी है वो फाइनाइट है, उसकी लेंथ जो है वो फाइनाइट है। और सेकेंड प्रूफ करना है इसको प्रूफ करने के लिए इस जुमले को कि लैंग्वेजेस जो है वो अनकाउंटेबल है। लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए हमें फिर एक प्रूफ करना पड़ रहा है कि बेसिकली कि द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग ओवर 0-1 इज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, यानी 0-1 से बनने वाले जो स्ट्रिंग होती है यानी 0-1 से जो आप स्ट्रिंग बनाते हैं, समझ रहे हो, 0-1 से स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी स्ट्रिंग बना दें 0-1-1-0-1 और इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग बना दो, तो कह रहा है कि ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। ठीक है, इसकी मैपिंग नहीं कर सकते आप नेचुरल नंबर के साथ, जब मैचिंग नहीं कर सकेंगे तो फिर डायगोनलाइजेशन मेथड से जो है प्रूफ करना होगा कि ये बेसिकली जो है वो क्या है, ये अनकाउंटेबल। तो कहता है बाय डायगोनलाइजेशन मेथड, अच्छा ये कोई एक नहीं बल्कि कोई भी स्ट्रिंग हो वन से शुरू होता हो तो ये बेसिकली अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है। तो कह रहे हैं दोबारा पढ़ लो कि ऑल लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव फर्स्ट स्टेटमेंट द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग ओवर 0-1 ठीक है इज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट बाय डायगोनल जी। तो कहता है कि assume the set of infinite binary string, ठीक है, b can be enumerated। तो contradiction पे कह रहा है कि हम एक binary string लेते हैं और हम कहते हैं कि ये गिने जा सकते हैं, that is correspondence with है, और इसका n से correspondence हो सकता होगा। ठीक है, इस basis पे हमने कहा कि अच्छा चलो तो correspondence अगर यहाँ पे देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 and so on, ठीक है, हमने कह इन केस में कह भी दिया कि ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन। तो जो डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व की थी, ये हालांकि ये मैपिंग कोई मतलब किसी मैपिंग से नहीं हो रहा, जैसे हमने रैशनल नंबर के लिए कहा था ना आई ओवर जे, एक मैपिंग थी वो,
अगर जर्नली हम मैट्रिसेस के अंदर सारे लिखने शुरू भी कर दें तो, और मैपिंग कराना शुरू भी कर दें कि वन ये टू ये, एक जर्नल मैपिंग, क्योंकि एक रिलेशनशिप तो डेवलप हो नहीं रहा कि वन किसको कहेंगे टू किसको कहेंगे, जैसे वहां पे डेवलप हो रहा था कि आई और जे हम कहेंगे कि आई एथ्रो, ऐसा कोई बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर डेवलप, हमने कहा जर्नलाइज हम कर देते हैं कि वन इसको कह रहे हैं और इस तरह के सारे काम। तो डायगोनलाइजेशन एल्गोरिथम ये कहते हैं कि अगर आप इनके डायगोनल को कलेक्ट करें इन्वर्ट करके, ठीक है, वन को जीरो, जीरो को वन कर लें, और जो नंबर यहाँ पे आपको पिक होगा वो कहता है ये नंबर डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डायगोनलाइजेशन थ्योरम प्रूव्ड है, हम प्रूफ की तरफ नहीं गए, हम सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैंटोर ने कहा था। तो कह रहा है कि ये नंबर जो यहाँ पे हमें मिला है ये डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। तो मौजूद ना होने की वजह से इसकी मैपिंग जो है वो एन के साथ नहीं होगी, एन के साथ ये मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दिस इज इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग विच इज नॉट इक्वल टू द स्ट्रिंग ऑन दिस लिस्ट एंड हैज नो करस्पॉन्डिंग, यानी ये जो हमने पिक किया है ये भी एक इनफाइनाइट लेंथ रखता है, ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग है, ठीक, और टू स्ट्रिंग टू दिस लिस्ट, लेकिन इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और एन के साथ करस्पॉन्ड नहीं हो रहा, तो B has uncountable infinite। अब इसने कहा कि जो binary string है, जो कि basically non-stopping binary string है, ये uncountable होते हैं, इनको क्यों uncountable होते हैं, इनको count नहीं किया जाता। uncountable होने की वजह ये है कि ये basically किसी n के साथ map, हमने कोशिश की कि n के साथ map हो जाए कोई ना कोई relation बना के, आप कोई relation सोच लें कि भाई किस तरह बनेगा, तो हमने कहा general relation बना देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और उस बेसिस हमने कहा कि लेकिन डायगोनलाइजेशन जब जब किसी के एन से रिलेशन नहीं बन रहा तो हम इसको जनरल इस तरह लिख देते हैं और कहते हैं कि जो इसके डायगोनल से पिक होने वाले नंबर हैं स्लाइटली वेरिएशन के साथ वो इसके अंदर डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये एज्यूम भी कर लें कि ये एग्जिस्ट भी करता है नाइन के अंदर, तो फिर जो नया डायगोनल लिया जाएगा वो मैप नहीं होगा। तो बेसिकली वो मैपिंग नहीं होने की वजह से हम कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल। अब ये हमने बात तय कर ली कि बाइनरी नंबर जो कि बेसिकली इनफाइनाइट मेनी लेंथ के साथ हों वो अनकाउंटेबल होते हैं। ये बात हमने अभी सिर्फ जनरलाइज प्रूफ की है। इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो कहते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल के लिए हम करना चाह रहे हैं सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जो कि सेकेंड वाली बात थी कि लैंग्वेजेस जो है वो बेसिकली अनकाउंटेबल है। सपोज एल बी द सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर द अल्फाबेट्स ऑफ दिस, एल जो है वो तमाम लैंग्वेजेस हैं अल्फाबेट्स ऑफ इस सिग्मा के ऊपर। इट कैन बी शो दैट एल इज अनकाउंटेबल, ये हमें प्रूफ करना है कि एल जो है वो अनकाउंटेबल है बाय गिविंग द करस्पॉन्डेंस विद बी, और हम इसको किसके साथ प्रूफ कर देंगे, बी के साथ मैप करा दें। अब देखो बी जो था वो बाइनरी स्ट्रिंग बेसिकली हमने सपोज किया था, बी इज अ बाइनरी स्ट्रिंग और ये बेसिकली अनकाउंटेबल हमने प्रूफ किया। हमने यहाँ पे क्या मेथड अडॉप्ट करना है कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं अनकाउंटेबल, अभी तो हम इसको अनकाउंटेबल थ्योरम में कह रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेजेस सेट ऑफ लैंग्वेजेस हैं इसको हम बी के साथ मैप कर देंगे, ठीक है। जब बी के साथ मैप कर देंगे, वर्ड सुनना क्या बात हो रही है कि बी के साथ करस्पॉन्ड कर देंगे लैंग्वेज को। अभी थोड़े से पहले कंटोर ने शुरू में पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि दो इनफाइनाइट सेट सेम साइज के होंगे अगर वो क्या हो जाए, करस्पॉन्ड हो जाए। दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर दो इनफाइनाइट सेट एक दूसरे के करस्पॉन्ड हो जाए तो दोनों सेम साइज के लाएंगे, और अगर उसमें से दूसरा वाला नेचुरल नंबर हो तो वो काउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है, सेम साइज और काउंटेबल। लेकिन अगर ये जो हमने जिसके साथ इसको मैप किया है वो बेसिकली अनकाउंटेबल हो तो जिसको मैप कर रहे हैं वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। सेम साइज का मतलब बी के साथ सेम साइज, बी अनकाउंटेबल है तो सेम साइज का मतलब है लैंग्वेज भी। तो अब वो कहता यह है कि इट कैन बी शो दैट, ठीक है, सॉरी इट कैन बी शो दैट के एल इज अनकाउंटेबल बाय गिविंग अ करस्पॉन्डेंस विद बी शोइंग दैट टू सेट्स हैव द सेम साइज, यानी ये बात शो करना चाह रहे हैं कि दो सेट जो है सेम साइज। अब किस तरह शो करेंगे कि ये बेसिकली बाइनरी के साथ जो है वो मैप हो रहे हैं, तो हमने कहा कि लेट सपोज S1, S2, ये जो है सेट ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, कह रहा है ईच ए बिलोंग टू L, L मीन्स जो लैंग्वेजेस हैं, और जो भी A लेंगे वो लैंग्वेज A के अंदर हैज यूनिक सीक्वेंस इन B,
और एक यूनिक सीक्वेंस रखेगा किसके अंदर, बी के अंदर। हर ए का जो है वो एक यूनिक सीक्वेंस होगा इसके अंदर, बाइनरी बी के अंदर। कैसे होगा वो हम यहाँ देखने चाह रहे हैं। द आईएथ बिट ऑफ द सीक्वेंस इज अ वन इफ एस आई बिलोंग टू ए, यानी ये जो अगर मिसाल के तौर पर एस को यहाँ से कोई भी एस उठाते हैं, स्ट्रिंग का पैटर्न उठाते हैं, और वो अगर ए से बिलोंग कर रहा है, अगर वो बिलोंग कर रहा है तो हम एक आईएथ बिट को जो है वो वन कर देंगे, और अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो हम इसको जीरो कर देंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एक्स ए सीक्वेंस ऑफ ए, इसको हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीक्वेंस ए जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए एक लैंग्वेज है जिसकी ये वाले, गौर से देखना, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे दे दिए हमने, सारे स्ट्रिंग दे दिए यहाँ पे, गौर से देखिए। और ए जो है ऑल स्ट्रिंग्स, ए के पास जो स्ट्रिंग्स हैं वो है जीरो जीरो, यानी ए जिन स्ट्रिंग, ए एक लैंग्वेज है जो कि किस स्ट्रिंग को बेसिकली रिकोगनाइज करता है, वो ये स्ट्रिंग्स हैं, इन स्ट्रिंग को रिकोगनाइज करता है। कहता है कि एक्स ए जो है, एक्स ए, ठीक है, एक्स ए, तो एक्स ए जो है बेसिकली एक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहा था वो ये है कि ए जिनको रिकोगनाइज नहीं करेगा उस पोजिशन पे बिट जीरो होगी, जिसको रिकोगनाइज उस पोजिशन पे बिट वन होगी, यही बात उसने की। तो ये वाला नल जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, जीरो वन जीरो वन कर दिया। ठीक है, अब आपने इसको देख के मैप करा दिया कि कौन से, यानी इस स्ट्रिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर से कौन से जो है वो ए के मेंबर है और कौन से ए के मेंबर नहीं है। लेकिन जिस चीज से मैप कराया है वो बाइनरी स्ट्रिंग है, यानी हमारे अपनी लैंग्वेज को जिससे हमने मैप कराया वो बाइनरी स्ट्रिंग है। समझ आ रही, बाइनरी स्ट्रिंग जो है वो एक अनकाउंटेबल है, और मैपिंग हमने अपनी लैंग्वेज की उस बाइनरी स्ट्रिंग से कराई। तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन, गौर से देखना, एल जो है मैप हो रहा है बी के साथ, वेयर एफ ऑफ ए इक्वल द कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ ए इज करस्पॉन्ड, और उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ करस्पॉन्ड करा दिया। देयरफॉर बी इज अनकाउंटेबल, देन, अब ये दोनों सेम साइज के हो गए, सेम साइज थ्योरी के मुताबिक, तो बी और एल सेम साइज के, तो अगर बी इज अनकाउंटेबल देन एल जो है वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अगर ये जो हमने मैप कराया है बेसिकली वो बेसिकली एक ऐसे सेट के साथ करा दिया है जो कि अनकाउंटेबल है, तो लिहाजा हमारी लैंग्वेज भी जो है वो अनकाउंटेबल होगी। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क, आवाज नहीं आ रही, नाउ ओके, सर ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट कैसे हो सकती है, तो बात हो गई। अच्छा जी, आ रही ना आवाज अली साहब, मेरा हाल आ रही चाहिए, मैंने म्यूट कर दिया था लेकिन म्यूट हटा दी। हाँ, रिपीट कर देते हैं। देखो बात यह है कि हम इसके, मैं बताऊँ, ये एक ऐसी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये एक ऐसी बातें हैं जो हम किसी नई चीज पे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। ये एक टोटली मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स की चीजें हैं, और वो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही डेप पोजिशन में, यानी ग्राउंड लेवल पे जाके बात हो रही है। तो हमें एटलीस्ट अपने लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं वो खाली समझ में आनी चाहिए, और जाहिर है हम इसको सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। अब ये बात इसने कहाँ से उठा के मैपिंग कराई, हम कैसे सोचते हैं, ये तो बुक में किया हुआ था तो हमने इसको समझ लिया। तो हमारा काम ये है कि समझ लें इसको, लेकिन अगर कोई कहता कि भाई मैप कराओ इनिशियली, तो एक डिफिकल्ट काम होता, कोई हिंट या तो दे वो इस तरह हो सकता है तो हम उसको शुरू करें, वरना तो एज अ मैथमेटिक, वी आर नॉट मैथमेटिशियन, तो एज अ मैथमेटिशियन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम इसको जो है वो सोचें कि किस तरह से हो रहा होगा, लेकिन जो हो चुका है उसको समझने की कोशिश करें कि किस तरह से जैसे बेसिकली पिक किया है। तो इसने यहाँ पे ये बात प्रूफ की, देखो ये कह रहा है कि ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैं जो कि इनफाइनाइट लेंथ है, ऑल स्ट्रिंग, यानी इनकी हर एक की लेंथ तो फाइनाइट है, यानी दो है तीन है, लेकिन तादाद इनकी इनफाइनाइट में नहीं है। इनमें से कुछ जो है बेसिकली ए के मेंबर्स हैं, ए सेट के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि ए लैंग्वेज के मेंबर्स हैं। कह रहे हम बता सकते हैं उसको इस मेन वाले लैंग्वेज के हिसाब से कि कौन से ए के मेंबर है, ए के मेंबर नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये डिफाइन कर सकता है कि जो हमारे पास नल वैल्यू है वो ए का मेंबर नहीं है, तो जो मेंबर नहीं है उसको जीरो कर दिया, और जो मेंबर है उसको वन कर दिया। जैसे ये मेंबर नहीं है तो जीरो कर दिया, ये मेंबर है तो वन कर दिया। तो हमने अपनी लैंग्वेज को एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के मुताबिक इसके साथ जो है वो मैप कर दिया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आ रहा है, समझाने का मतलब ये है, ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है, और बाइनरी स्ट्रिंग जो है बेसिकली, ये बाइनरी स्ट्रिंग है, नहीं है बाइनरी स्ट्रिंग है ना, बाइनरी स्ट्रिंग जो है बेसिकली एक अनकाउंटेबल होता है, बाइनरी स्ट्रिंग अनकाउंटेबल कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो
इसके अनकाउंटेबल होने की वजह से, अनकाउंटेबल होने की वजह से हम कहते हैं कि बी अनकाउंटेबल है और ये करस्पॉन्ड हो चुका है किसके साथ, हमारी लैंग्वेज के साथ, तो ये दोनों सेम साइज हो गए, दोनों सेम साइज हैं, तो बी अगर अनकाउंटेबल है तो ये भी जो है एल जो है ये भी जो है अनकाउंटेबल हो। इस बेसिस पे इसने यहाँ पे ये बात प्रूफ की कि लैंग्वेजेस जो है वो गौर से देखना, लैंग्वेजेस जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं और ट्यूरिंग मशीन जो है वो काउंटेबल है, क्योंकि वो हर फाइनाइट लेंथ को जो है के लिए बनाया जाता है, फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए बनाया, तो इसलिए ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है और हमारे पास लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल है तो ये इशू ये आएगा कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो लेस तादाद के अंदर है, यानी अगर मैं मॉड लगा दूं ट्यूरिंग मशीन जो है वो लेस तादाद के अंदर है लैंग्वेजेस के मुकाबले, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लैंग्वेज किसी एक ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज होती है, दूसरी लैंग्वेज दूसरे से होती है, तो कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये छोटी तादाद में, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो कि ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज होने से रह जाएंगी, तो वो लैंग्वेजेस जो ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज नहीं होंगी उनको हम नॉट रिकॉग्नाइजेबल, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल कहते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा था, जिसके लिए हमने ये सारा जो पेंडोरा बॉक्स खोला था और इसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया और कैलोरीज को यूज करके किस तरह से जो है ये बेसिकली प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगला बेसिकली थ्योरम है, और मैं इसमें जरा सा इसको ब्रेक करता हूँ कि आपसे कुछ डिस्कशन करूँ। ये थ्योरम कहता है अच्छा इसके बेसिस पे तीन चार चीजें हमारे पास जो है वो सामने आती है इस थ्योरम के मुताबिक, मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ उसकी, आप उसको सुनना गौर से। पहला स्टेटमेंट ये कहते हैं हम, पहला स्टेटमेंट ये कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबली इनफाइनाइट, सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग, ठीक है, काउंटेबल है, ये बात हमने पढ़ ली कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो काउंटेबल है। ठीक है, उसके बाद हमने अगला स्टेटमेंट इसके बेसिस पे किया कि द सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल जो वो भी काउंटेबल इनफाइनाइट होती है, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। फिर कहते हैं द सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेज इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होती है, तमाम लैंग्वेजेस जो होती हैं लैंग्वेजेस वो अनकाउंटेबल होती हैं, और सम लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, इसके बेसिस में कि सम लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली हमने अभी जो प्रूफ किया उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कहा है, और आगे अगर हम बढ़ें तो उससे आगे बढ़ने से पहले आपका हाल अहवाल पूछ लें कि क्या हाल अहवाल है। और ये अगला थ्योरम जो हमारे पास है हॉल्टिंग प्रॉब्लम, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये है कि एक ट्यूरिंग मशीन, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि अनडिसाइडेबल होता है, तो इसको इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इससे पहले आपके हाल अहवाल ले लेते हैं। हाँ, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं इसको शेयरिंग कर देता हूँ। ये मैंने जो चीज अभी आपको रीड की है ना, इसको मैं क्या हो गया, शेयरिंग ऑप्शन, ये रन न्यू शेयरिंग, ये देखो ये नजर आ गया थ्योरम, द सेट ऑफ ये माइकल सिप्सर की बुक से कट पेज है, द सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन इज काउंटेबली इनफाइनाइट। देखो तमाम ट्यूरिंग मशीन काउंटेबली इनफाइनाइट, अब ट्यूरिंग मशीन दो होती है, डिसाइडेबल और रिकॉग्नाइजेबल, अगर ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल है तो इसका मतलब है ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज भी काउंटेबल है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइजेबल भी होता है और डिसाइडेबल भी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो काउंटेबल है तो ये ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल होगा, वो भी काउंटेबल होगा। और अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबल, लैंग्वेजेस जो है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होंगी, इसकी कलर ये बता रहा है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगी, नॉन ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल होगा, ये बात समझ में आती है, तो ये यहाँ से डिस्कस हो रहा था। अब इसके बाद जाहिर है ये अगर तुम एक दफा बुक मैं बार बार ये सजेशन दे रहा हूँ कि ये कोई आसान टॉपिक नहीं है, एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी की तरह चल रहा है, तो आपको सोचना ये है कि हमें यहाँ कहाँ से मजीद हेल्प मिलेगी। आप यकीन करेंगे सारी स्लाइड्स जो है ना, इवन ये जो लाइनें लिखी हुई ये भी एज इट इज बुक से कॉपी कीजिए, आपको समझाने के लिए स्लाइड यहाँ पे मैंने
ऐड ऑन की है कि नहीं, यहाँ से मैं वाइट बोर्ड पर लिखता और फिर समझाता आपको, लेकिन जाहिर है अभी यहाँ लिखने का सिचुएशन नहीं है, तो ये मैंने स्लाइड्स बुक से ही कट पेस्ट की और समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली किस तरह से उसको ये अनकाउंटेबल कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सा आपसे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। और ये वाला प्रूफ जो है ना, हॉल्टिंग प्रॉब्लम, ये पहले हम कर चुके हैं, ये मैं सिर्फ आपको रीडिंग के लिए दे रहा हूँ कि आप इसको रीड करके आप खुद प्रूफ करने की कोशिश करो कि किस तरह, ये आखिरी टॉपिक है, दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4। अगली क्लास से हम रिड्यूसिबिलिटी जो है वो शुरू करेंगे कि रिड्यूसिबिलिटी जो है वो क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो अगर ये आपके समझ नहीं आया, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये स्लाइड भी इसकी बनी हुई है और आपके पास बुक भी शामिल है, बुक भी मैंने अपलोड की हुई है, तो उसमें से आप पढ़ के खाली कोशिश करो कि ये आपको समझ आता है या नहीं आता सर। और अब मैं इसको अनम्यूट करता हूँ, एक एक करके पूछ लोगों तो आवाज क्लियर आएगी ताकि हमें समझ आए कि बात क्या हो रही है। अट्रैक्टिव बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहता डिफिकल्ट, थोड़ा सा मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ। उमर अस्तम बोलो, बाकी लोग अगर खुद ही म्यूट करते हैं अच्छी बात है, मैं सबको अनम्यूट कर। उमर को ओपन करते हैं पहले, ठीक है, उमर आपको ओपन कर रहा हूँ मैं। जी उमर बोले, उमर असलम कोई बात है तो पूछ लो। रमजान में महंगी होंगी सब चीजें, प्याज भी लहसुन भी, अभी प्याज 40 रुपए किलो मिल रहा है अच्छा वाला। क्या कह रहे हो ये? अच्छा, और किसी का सवाल है तो हैंड रेस कर लो, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। कोई हैंड रेस कर लो या टेक्स्ट में लिख दो, मैं अनम्यूट करके फिर उससे सवाल ले लूंगा, सबको ओपन करूंगा। तो जी सर कोई सवाल नहीं है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, हैंड रेस अरसलान मजीद अनम्यूट। जी अरसलान बोलो, मैं लेता हूँ अभी सवाल आपसे, अरसलान से ले लूँ पहले। अरसलान बोलो, अरसलान मजीद आप बोल सकते हैं। हेलो, हाँ जी आ रही आवाज़। सर वो प्रीवियस स्लाइड में जो है ना, बस एक चीज़ कंफर्म करनी थी जो आपने बताई है कि यस सर, इसके अंदर जो एक्स ए है वो क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास ऑल लैंग्वेजेस हैं उसके अगेंस्ट ए वैल्यूज की पोजीशन वो लैंग्वेजेस बता रहा है कि जीरो का मतलब है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, वन जो है वो एग्जिस्ट करती है। जी जी बिल्कुल, और ए का मतलब है ये ए ए वाली लैंग्वेज को कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे, मैं एक मिनट दे रहा, मैं आपको समझा दूँ, अगर यहाँ पे मैं x ऑफ b लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं यूँ लिखता हूँ x ऑफ b, ठीक है b, तो मैं x ऑफ b लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक लैंग्वेज होगी, b कैपिटल ही कर देता हूँ उसको, x b के बजाय c कर देता हूँ, b क्योंकि हमारी बाइनराइजेशन को भी शो करता है ना, तो मैं इसको c कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बेसिकली टेम्पररी ऐड करूँ, यहाँ पे एक सी लैंग्वेज भी होगी, लैंग्वेज सी, समझ रहे हो, मैं लैंग्वेज सी होगी जो कुछ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती होगी। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि वो नल को एक्सेप्ट ना करे, जीरो को एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है कि वो वन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, वन को एक्सेप्ट कर, यानी वो स्ट्रिंग जो उसको सी एक्सेप्ट करता है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। याद है हम लैंग्वेजेस के अंदर उसके टोकन्स लिखते थे, ये टोकन्स हैं बेसिकली, हो सकता है कि सी जो है वो वन, सी जो है वो वन जीरो को एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, अब सी के लिए जो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, करस्पॉन्डेंस फंक्शन सी के लिए बनेगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे जीरो आ जाएगा, अगले वाले में भी जीरो, समझ लो अगले वाले में जीरो आ जाएगा, और जाके वन कहाँ पे होगा, जाके यहाँ पे वन होगा, सी के में जहाँ हमारे पास कोई स्ट्रिंग मैप हुआ है वहाँ पे जाके ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, बन जाएगा सही। अब ये किस, अब ये जो तुम्हारे पास बाइनरी नंबर है ना, ये इनफाइनाइट मेनी लेंथ रखते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हैं, जैसे मैं थोड़े से पहले मैंने समझाया था, तो हमने कहा कि और ये प्रूफ कर लिया है कि बाइनरी जो नंबर्स हैं, जो इनफाइनाइट स्ट्रिंग बनाते हैं, यानी स्ट्रिंग बनाते हैं, इनकी लेंथ अनकाउंटेबल होती है। तो हमने अपनी लैंग्वेजेस को इसके साथ मैप कर लिया है, बाइनरी नंबर के साथ, तो इसका मतलब है कि हमारी लैंग्वेज और बाइनरी नंबर सेम साइज के हुए, बाइनरी नंबर अगर अनकाउंटेबल है तो फिर हमारी लैंग्वेजेस भी अनकाउंटेबल है, इस बेसिस पे प्रूफ। अगर कोई और बात है तो पूछ लो, मैं अभी मैं शायद ये समझा इसलिए मैंने नहीं बताया,
और बातों नहीं नहीं सर सही है, कंफर्म करना था बस। अच्छा अब मैं बेसिकली म्यूट करता हूं, अनम्यूट करता हूं अली को। जी अली सर, मैंने आपसे सर असाइनमेंट के लिए बोलना था सर, ये ऑफिस की टाइमिंग और काम के जो है ना बोझ की वजह से उसको और असाइनमेंट है भी काफी डिफिकल्ट, तो सर मैं चाहता हूं कि आप डेट आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, फ्राइडे तक करते हैं। सब लोग यही चाहते हैं या सिर्फ आप चाहते हैं? सर ऑलमोस्ट लोग यही चाहते हैं, बोल नहीं रहे हैं। सर आप इस बात से भी अंदाजा लगा लें कि अभी फेस टू फेस क्लास होती तो सब कुछ ना कुछ बोल ही रहे होते, कोई सवाल ही नहीं आ रहा है, आप पूछ रहे तो आ रहा है, खुद से कोई नहीं बोल रहा है। हम समझ में नहीं आ रहा ना सर, बात ये दो ही चीजें होती हैं, सवाल ना पूछने की जो मैंने सर देखें अभी नीचे यस यस करके आपको टेक्स्ट में मैसेजेस आ रहे होंगे, सब यही चाहते हैं तकरीबन सर। टेक्स्ट आ रहा है कुछ? हाँ चलो फरिया, चलो एक हफ्ता और बढ़ा देते हैं, लेकिन कोशिश करो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर दे दो। एक दूसरे से कॉपी ना करोगे तो समझ आएगा, ठीक है? तो आपको मैं उसमें डेट एक्सटेंड कर देता हूँ अगले हफ्ते की, आज के दिन की, ठीक? अब आप एक काम ये करें कि मैं अगली क्लास में रैंडम और सुनना, मैं भी इसको डेट एक्सटेंड कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक टास्क मैंने आपको रीडिंग के लिए दिया है, और आप लोग माशाल्लाह नॉर्मली जो लॉगिन होते हैं वो 30-30 स्टूडेंट के करीब हो जाते हैं, तो अभी 29-28 स्टूडेंट हैं। मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूँ साथ में कि आपने जो ये टॉपिक है ना, क्या नाम है, जो मैंने अभी हेडिंग नहीं पढ़ाई आपको, ये वाली टॉपिक मैं थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि पढ़ाना हमारा हिट हो जाए। हिट से मुराद ये है कि समझ में जो आ रहा है वो भी सब निकल जाए, तो ये वाली बात मैंने अभी नहीं पढ़ा है। आपको मैं टास्क दे रहा हूँ अगली क्लास में, आपने जो है इसको पढ़ना है, और मैं एक दो स्टूडेंट किसी से भी जो है ना वो आप लोगों ने क्या कहते हैं ग्रुप तो बना लिया होगा ना, और प्रोजेक्ट की लिस्ट अपलोड कर दी होगी, तो ग्रुप वाइज जो है ना मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमें समझाएंगे, आप लोग समझाएंगे ये कि ये किस तरह से प्रूव हो रहा है कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो अनडिसाइडेबल है, यानी डिसाइडेबल नहीं है, यानी रिकॉग्नाइजेबल की कैटेगरी में आता है। तो आप थोड़ा सा उसको पढ़िएगा, ताकि स्लाइड भी मौजूद है, बुक भी मौजूद है, तो उसे पढ़ के जो है वो आप लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अपने दो पार्टिसिपेंट हैं ड्रेस, ठीक है? मैं आपको म्यूट करता हूँ, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो दोबारा से लॉग इन कर लेना। अच्छा जी, मैं आपको बारी बारी सवाल करता हूँ। जी जमरुद, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बात कर सकते हैं। आप अनम्यूट नहीं हो रहे आपने सर, वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी कि मेरे साथ जो जिन लोगों के मैं कांटेक्ट में था उन सब ने उनके ग्रुप बन चुके हैं, तो मैं फिर अकेले ही रह गया, या फिर आप मुझे किसी के साथ ज्वाइन करवा दें, या फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ सर अकेले ही। अकेले कैसे करोगे, अकेले तो मुश्किल काम है, खुद फंस जाओगे। आप किसी के साथ ज्वाइन कर दें सर, मैं लिस्ट आ जाए तो मैं आपको ज्वाइन कर दूँ, जहाँ दो या तीन लोगों में डाल दूंगा, उनको बता दूंगा। सही सर, वो फिर अर्शद और क्या कहते हैं भाई हैं दूसरे, ठीक है अजमल भाई के साथ देखने से। ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इस वीक में, मैं जरा वर्किंग कर लूँ, जब इसकी लिस्ट आ गई होगी ना सारी मेरे पास गूगल क्लासरूम में जमा कराना है आपने प्रोजेक्ट ना, तो मैं वहाँ से। ठीक है, अच्छा अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। की टेन आप खुद म्यूट है तो अलग बात है, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आईटी की टेन क्या है? अच्छा अजमल साहब को भी अनम्यूट कर दिया मैंने, अजमल आप भी अनम्यूट नहीं हो रहे आपने अपना, कहा बोलो सर। लेक्चर कितने रह गए हैं और? अभी हमारे दो चैप्टर रह गए, तीन वीक है हमारे पास, तीन वीक, एक बीच में मेकअप ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है आ जाओ। अब्दुल वहाब कुछ कहना है? टास्क दोबारा से रिपीट कर दे जो आपने भी दिए। टास्क सिर्फ ये देखो, ये जो स्लाइड